शिल्प ग्राम के हुनरहाट पहुंचे, जहां उन्होंने स्टॉलों से खरीदारी भी की। आगरा के शिल्प ग्राम में आयोजित हुनर हाट में मशहूर बॉलीवुड सिंगर अल्ताफ रजा भी पहुंचे। बता दें कि शिल्प ग्राम में आयोजित हुनर हाट में अल्ताफ रजा प्रस्तुति देंगे। हुनर हाट में अल्ताफ रजा की नज्मों पर झूमती दिखी ताज नगरी। एनआईए अफसर तंजिल अहमद हत्याकांड को लेकर बिजनौर कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए घटना के मुख्य आरोपी मुनीर और रियान को फांसी की सजा सुनाई है। उधर कोर्ट ने इस मामले में तंजीम, जैनी और रिजवान को बरी कर दिया। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, साथ ही मुनीर और रियान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल वैन से जिला कोर्ट लाया गया था। फांसी की सजा दी गई है मुनीर और रयान को। मामला क्या था? मामला ये था 2/4/2016 की घटना है। एनआईए के अधिकारी थे, डीएसपी थे, उनका कत्ल किया था और उनकी पत्नी का, दोनों का कत्ल किया था, तो उसमें दोनों को फांसी हुई है। कितने लोग थे घटना में? और घटना में 5 लोग शामिल थे, 3 को साक्ष्य के भाव में छोड़ दिया और 2 को फांसी। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद एवं उनकी पत्नी फरजाना अपने बच्चों के साथ बिजनौर के सहसपुर में आ रहे थे एक शादी समारोह में। 2/3/2016 को जब वो लौट रहे थे, अर्धरात्रि में बदमाशों ने गोली से छलनी कर दिया था। इस डबल मर्डर केस में मुनीर एवं रियान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। अभी कुछ दिन पहले गैंगस्टर कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के अर्थदंड एवं 10 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया था। हत्या के मामले में एडीजे 5th कोर्ट ने आज उन्हें फांसी की सजा कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया है। मुनीर और रियान दोनों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई गई है। फिरोजाबाद के शेखोहाबाद क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में घर से बाहर खेल रही 3 लड़कियों के लापता होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले की पुलिस से शिकायत करते हुए केस दर्ज करा दिया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। गौंडा जिले में एक महिला ने देहात कोतवाली में एक दारोगा के ऊपर कपड़ा फाड़ने और दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद एसपी ने खुद कोतवाली पहुंचकर आरोपी दारोगा केदारनाथ को सस्पेंड करते हुए मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी है। जनपद गोंडा में कोतवाली देहात थाना पे एक महिला के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पे स्वयं अपनी टीम के साथ कोतवाली देहात यहाँ थाने पहुंचकर इसकी ब्रीफ जांच की गई है। अभी तक की जांच में ये निकल कर आया है कि एक ये पति पत्नी का विवाद था, जिसमें एक महिला जिनके पिता का नाम हवलदार शुक्ला है और पति का नाम सुधीर तिवारी है, उन्होंने अपने पति एवं ससुराल वालों पे दहेज का मुकदमा लिखवाया था जनवरी के महीने में। 2 महीने के अंदर ही मार्च में इस मुकदमे में विवेचना करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गई थी। इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसपे कि दहेज उत्पीड़न इत्यादि का आरोप लगाया गया था। महिला जो है अपने मायके में रह रही थी। कल उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि उनके पति दूसरी शादी कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन पे महिला इंस्पेक्टर ने आज ही दोनों पक्षों को बुलाया था और अटेंड करके ये इनमें बात बनी थी कि दोनों ही पक्ष, कोई भी पक्ष शादी नहीं करेगा जब तक कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कुशीनगर के सुकरौली क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक मोशर नेवी में नौकरी करता था और छुट्टियों में अपनी पत्नी से मिलने आया था। खबरों की माने तो मृतक ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी और साले पर उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ में आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली। अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में शपथ ली गई। सतीश महाना ने विधायक पद की शपथ दिलाई। तस्वीरें आप स्क्रीन पर। पीलीभीत में तेज आंधी के साथ बरसात शुरू हुई। मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। भयंकर गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तेज आंधी के साथ तेज बारिश की शुरुआत में कईयों के घरों को भी नुकसान काफी हुआ है। तो पीलीभीत में बरसात में मौसम में मिजाज बदला है, लेकिन उसके साथ साथ
कई लोगों को परेशानियां भी हुई हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने की मिली है और कई जगह पर पेड़ भी गिर गए। श्रावस्ती जिले में भीषण हादसा हो गया, जहां पर जायरीन से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। दो दर्जन से ज्यादा जायरीन बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे में एक जायरीन की दर्दनाक मौत हुई। बहराइच के दरगाह से जियारत करके पिकअप से वापस लौट रहे थे जायरीन। पिकअप में पटरा लगाकर जायरीन को क्षमता से ज्यादा ठूस कर भरा गया था। देर रात 1 बजे की पूरी घटना है, जो कि नेशनल हाईवे खरगोवा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। सभी जायरीन जनपद सिद्धार्थनगर संत कबीरनगर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। घर वालों को बिना बताए मुंबई जाने के लिए निकली 3 बच्चियां गलत हाथों में पड़ने से बच गई। आरपीएफ आगरा कैंट के जवानों की सतर्कता ने बच्चियों को बड़ी मुश्किल में फंसने से बचा लिया। फिलहाल बरामद की गई 3 बच्चियां चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पास सुरक्षित हैं। पुलिस ने बच्चियों के परिजनों को सूचना दे दी है। बच्चों के परिजन उन्हें लेने के लिए आगरा पहुंचे हुए हैं। बलवेर के उत्पीड़न से तंग आकर 100 से अधिक दलित परिवार मकान बेचकर पलायन को मजबूर हुए हैं। लोगों ने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा रखे हैं। सांगवान सिटी के मालिक पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के संगावन सिटी का ये पूरा मामला। कन्नौज में मामा ने भांजे को मौत के घाट उतार दिया। मामूली विवाद में भांजे ने मामा को गाली दी थी। गाली गलौच का बदला लेने के लिए मामा ने भांजे को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला सौरिक थाना क्षेत्र के दरियाई नगला गांव का है। पीलीभीत में इन दिनों गैंगस्टर अपराधियों पर जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। उसी के चलते सदर कोतवाली क्षेत्र के थाना मरिया क्षेत्र में 2 गैंगस्टर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी लाखों रुपए की संपत्ति को जब्त कर एसडीएम और पुलिस फोर्स ने कुर्की की कार्रवाई की। खबर ताजनगरी आगरा से, जहां तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ओर कई इलाकों में बिजली गुल होने की समस्या भी देखी गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।